सभी को मारने के बाद भैंसा वहाँ से चला जाता है, पर भालू बाबा उस वक्त मरे नहीं थे। कुछ ही देर में भालू बाबा की मौत हो जाती है और उनकी आत्मा अपने गुरु राकू शेर को ढूंढने निकल गई। जब वो राकू शेर की गुफा पर पहुँचे तब उन्हें राकू शेर वहाँ नहीं मिले। भालू बाबा की आत्मा परेशान होकर वही बैठ गई। कई दिनों तक राकू शेर का इंतजार करने के बाद जब वो गुफा पर नहीं आए तो भालू बाबा की आत्मा राकू शेर को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उन्होंने देखा भैंसे ने एक हिरण को मार दिया है। अब वो और आगे ढूंढने निकल गए। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी उनके सामने नन्ना भूत आया। उनकी परेशानी पूछी, भालू की आत्मा ने सब बात बता दी। नन्ना भूत बोला, कुछ दिनों पहले मैंने भयानक से दिखने वाले शेर को यहाँ से जाते हुए देखा था और मुझे पता है वो कहाँ गए हैं।